अगर झाबुआ जिले के राणापुर क्षेत्र की 7 पंचायतों ने की ग्राम सभाओं ने सीएल सर्वे की अनुमति अगर दी तो यहाँ पर जो सर्वे की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी खनिज के लिए। तो ये 7 पंचायतें कौन है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, विस्तार से अंत तक देखिएगा पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत सरकार के खान मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी, मध्य प्रदेश के खनिज मंत्रालय ने अब जनपद और तहसीलों को पत्र लिखकर 7 गाँव के झाबुआ जिले के राणापुर तहसील के 7 गाँव के ग्राम सभाओं से जो ग्राम सभाएं हैं उसमें ये तय करने को कहा है कि वो सीएल सर्वे चाहते हैं या नहीं। ये ग्राम सभाओं को अपना ओपिनियन इसमें देना पड़ेगा, इसलिए सब कुछ अब ग्राम सभाओं के ऊपर है न कि सरकार के ऊपर। अब ग्राम सभाओं की भूमिका क्या होगी ये सबसे महत्वपूर्ण है। विस्तार से इस पूरी रिपोर्ट को देखिएगा। ये गाँव कौन से ये देख लीजिए, पहले ये पत्र देखिए। ये पत्र हैं खनिज विभाग के जो जारी किए गए हैं जिनमें इन पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ये पंचायतें हैं, इसमें कुछ गांव हैं, भूतखेड़ी, सालरपाड़ा, बन, मातासुला, छायन सेमलखेड़ी, सनोड़ पंचायत का बाल्दी माल और सरदारपुरा पंचायत का चोर मांडली, और इसमें राणापुर नगर का एक हिस्सा भी इस माइनिंग एरिया में आना है। अब इन जगहों पर ग्राम सभा की अनुमति का पत्र जारी हो गया है। ये पत्र हम आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। अब सीधा सा मतलब ये है कि ग्राम सभाओं को तय करना है कि उनके गाँव में जो मिनरल के संकेत मिले हैं खान मंत्रालय को, दरअसल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सर्वे करता है जिस सर्वे में ये पाया गया कि निकल और उससे जुड़ी हुई एसोसिएट धातुएँ इन गाँवों के नीचे मौजूद हैं, और इन गाँवों का अगर हम रकबे की बात करें तो 830 हेक्टेयर रकबा है वो टोटल आता है, जिसमें से 274 हेक्टेयर सरकारी है और इसके अलावा करीब 650 हेक्टेयर निजी ज़मीन है। ये सारी ज़मीनें आदिवासियों की हैं ऐसा बताया गया है। तो इन ज़मीनों को लक्षित किया गया है कि अगर ग्राम सभाएं अनुमति देंगी तो इन जगहों पर सीएल सर्वे किया जा सकेगा। सुनिए जिला खनिज अधिकारी को। ये भारत सरकार की तरफ से एक हमको एक लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें कि निकल एंड एसोसिएशन मिनरल के बारे में है, उसमें ग्रेफाइट है, चूना पत्थर है और अन्य मिनरल एसोसिएट मिनरल आते हैं, जिसमें कि यहाँ पे जीआईएस सर्वे हुआ था पूर्व में, उसमें ये चीज़ को पाया गया था, तो उसी संबंध में हम लोगों ने सर्वे के लिए एक लेटर प्रस्तावित किया है, ग्राम सभा को भेजा गया है। उसमें हमने ग्राम सभा से मांग की गई है कि उसमें आप प्रस्ताव भेजें जिससे कि हम आगे कार्रवाई की जा सके। नहीं, ऐसा कहना गलत है कि प्रशासन ज़मीन छीन लेगा। कोई भी इस चीज़ का या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब आता है तो प्रशासन उसकी सबसे पहले एक समन्वय स्थापित करता है और पहले आइडेंटिफाई करता है कि उस जगह मिनरल है या नहीं है। मिनरल मिलने के बाद ही अपन उस चीज़ को आगे की प्रोसेस में डालते हैं। ये कहना गलत है कि उनका तुरंत जाके अधिग्रहण कर लेते हैं या ज़मीन को अधिग्रहण हो जाता है, ये सब कहना गलत है। जी बिल्कुल, इसमें ग्राम सभा की हम लोग जब भी होता है तो ठहराव प्रस्ताव लिया जाता है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया चालू की जाती है। गाँव में राणापुर का भूताखेड़ी है, उसमें बैन है, भूताखेड़ी है और मातासुला है, राणापुर है और सातलपाड़ा है। तो अपने माइनिंग विभाग के मुखिया को सुना, उन्होंने बता दिया कि क्या होना है। अब सीएल सर्वे को लेकर विभाग का क्या कहना है वो भी सुनिए। दरअसल विभाग का ये कहना है कि हम माइनिंग करने नहीं जा रहे हैं बल्कि ये एक प्रक्रिया है। विभाग का कहना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सर्वे करता है, उस सर्वे में उनको भूमिगत स्तर पर कुछ मिनरल्स के सिम्टम्स मिलते हैं, उसका परीक्षण करना ज़रूरी है कि जो मिला है क्या वाकई में वो डेप्थ में है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। उसके लिए एक सीएल सर्वे की ज़रूरत होती है। तो सीएल सर्वे तभी हो सकता है जब ग्राम सभा उसके लिए अनुमति देगी। ग्राम सभा अनुमति देगी तो ये टीमें सर्वे करेंगी, अगर नहीं देगी तो सर्वे नहीं होगा, वो टीमें लौट जाएंगी। अब सीएल सर्वे में भी अगर कुछ मिलता है, मान लीजिए
तब फिर पीएल के लिए प्रोसेस होती है, प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए प्रोसेस होती है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव मिलता है तो फिर एमएल माइनिंग लीज की प्रक्रिया होती है, जिसमें फिर बकायदा उसके बाद फिर उसका अलॉट होने के बाद खुदाई शुरू होती है। तो एक तरीके से इसे शुरुआती दौर आप मान सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ निर्भर है कि सीएल में कुछ मिलता है या नहीं और ग्राम सभाएं सीएल के लिए भी अनुमति देती हैं या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है। एक बार खनिज अधिकारी साहब से समझ लीजिए, ये एमएल सीएल और पीएल क्या है? देखिए, खनिज माइनिंग की जब भी कोई लीज के धारण होती है या लीज आती है तो उससे पहले सबसे पहले अपन सीएल होती है, कंपोजिट लाइसेंस बोलते हैं उसको, उसमें पूर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। पूर्वेक्षण का मतलब होता है कि एक सैम्पलिंग की जाती है और सैम्पलिंग के रूप में जब अपन उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तब तो उसको पीएल के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। पीएल में अपन ने ऑलरेडी G4 का ये मिनरल है, G4 किया हुआ है तो अपन ने उसको सीएल में डाला हुआ है। अब ये आप आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ पर्याप्त है, उसके लिए एमएल अप्लाई होगी। एमएल होने के ग्रांट होने के बाद तब उसके बाद माइनिंग की प्रोसेस चालू होती है, इतनी सी प्रोसेस होती है इसकी। तो सबसे पहले अपन इसको सीएल में डाला तो अभी सर्वे किया गया है, सर्वे में आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ अप्रूव्ड हो चुका है, मिनरल इतना है, इसमें वाइबल है या नहीं है, माइनिंग करने में कितना उसका वो कॉस्ट आएगा, ये सब अप्रूव्ड होने के बाद ही अपन उसमें एमएल में जाते हैं। एमएल ग्रांट होने के बाद तब माइनिंग की प्रोसेस चालू होती है। तो 7 पंचायतें और एक नगर परिषद राणापुर का एक हिस्सा, वो जहाँ पर खनिज के सिम्टम्स मिले हैं, लक्षण मिले हैं या कुछ मिला है, अब इसकी शुरुआती सर्वे की बात है। लेकिन अब एक बार फिर से आपको बता दें कि इसी चीज़ को लेकर आदिवासी संगठनों ने राणापुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया था, तस्वीरें देखिए, जिसमें महेश पटेल भी शामिल हुए थे, मतियाज भुरिया भी शामिल हुए थे और तमाम लोग इसमें आए थे और कहा था कि ये हम होने नहीं देंगे। ये तस्वीरें देख लीजिए आप उसकी। और ये लोग उस समय चर्चाएं थी कि प्रशासन ये कह रहा है कि यह अफवाह है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। अब वो लोग हमलावर हैं इस प्रक्रिया के, चिट्ठियों के सामने आने के बाद। सुनिए क्या कहा जेएस के जिलाध्यक्ष विजय डामोन ने। देखो, ये राणापुर ब्लॉक में खनिज विभाग द्वारा यह ग्राम पंचायत द्वारा जो एनओसी मांग रहे जो, ये गलत है। हम लोगों ने पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने एक आंदोलन करा था राणापुर में, वो जल जंगल ज़मीन हमारी है और हमारी थी और हमारी रहेगी। हम जंगल जल जंगल ज़मीन के रक्षक हैं और जयस इसका पूर्ण जोर विरोध करता। हम आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज़मीन है, हमारे आदिवासियों की ज़मीन है, वो ज़मीन हमारे बाप दादाओं की, हमारे पुरखा की ज़मीन है, हम लोग इनको थोड़ी देंगे। आज ये खनिज विभाग वाले इनको ग्राम पंचायत से, ग्राम सभा से एनओसी मांग रहे थे, ये कहीं ना कहीं हम लोग कभी भी नहीं देगा और हम इनका विरोध करते हैं। जयस भले चाहे उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक हमको लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, चाहे विधानसभा में आवाज़ उठाना पड़ेगा, हमारे जयस के राष्ट्रीय जैविक संरक्षक के माध्यम से हम लोग इनका आवाज़ विधानसभा में भी उठाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम इसका बहुत विरोध करते हैं और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे आने वाले समय में राणापुर में, जयस के माध्यम से सभी सामाजिक आदिवासी मिलकर सभी करेंगे और एनओसी नहीं देंगे। जयस इकलौता ऐसा संगठन नहीं है जो इसका विरोध कर रहा है, विरोध में तो कांग्रेस भी उतर आई है। कांग्रेस के झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने भी कहा है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए उनको सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई क्यों ना लड़ना पड़े। देखिए, जिस तरह से राणापुर में इन्होंने एक माइनिंग खनिज विभाग ने एक जारी करा है लेटर और उसमें कहा है, ग्राम सभाओं को निर्देशित करा है कि 7 दिन में आप उसका प्रस्ताव को पारित कर भेजें। अब मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब पैसा कानून मध्य प्रदेश में लागू हो गया है तो किस आधार पर आप ग्राम सभाओं को डराने का काम कर रहे हैं? ग्राम सभाओं के पास विधानसभा से भी ज़्यादा अधिकार होते हैं और लोकसभा से ज़्यादा अधिकार होते हैं पैसा कानून में। तो या तो पैसा कानून लागू नहीं करा है, ये तो झूठ बोलने का काम करा है। और ये भाजपा के प्रशासन की, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो भाजपा का प्रशासन इस किस तरह से आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीनने का काम कर रहा है, ये भी इस चीज़ से प्रमाणित होता है। और मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि हम किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे और ये जो मुद्दा है इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे, इसके लिए दमखम से लड़ेंगे और इसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। हम सड़क पर भी आंदोलन करेंगे और विधानसभा में भी पूर्ण जोर तरीका इस चीज़ का हम विरोध करेंगे। इस पूरे मामले में लंबे समय से जिला बदर चल रहे मथियास भुरिया का की बाइट भी सामने आई है। उन्होंने भी एक बयान भेजा है कि वो जो कह रहे थे वो अब उस बात पर मोहर लग गई है, उस समय उनको नकारा गया, मामले को
ठंडा करने की कोशिश की गई, उनको जलाबदर कर निशाना बनाया गया, लेकिन अंततः वो सही साबित हुए। सुनिए मथियास भूरिया ने क्या कहा है। जोहार, आज जो प्रशासन का दोहरा रवैया आज सबके सामने आ गया है और हमारे सभी आदिवासी भाइयों को मालूम हो कि हमारे राणापुर ब्लॉक में अभी वर्तमान में तुरंत ही भारत सरकार से पत्र आया है और खनिज अधिकारी ने अभी एक पत्र जारी करके हमारी 5 ग्राम पंचायतों के गाँव में बन मातासुला सरदारपुरा चोरमांडली सनोड मातासुला भूतखेड़ी इन गांवों में जो खनिज के लिए अधिग्रहण करने के लिए और नीलामी के लिए जो पत्र जारी करा है, सर्वप्रथम मैं हमारे सरपंचों से निवेदन करता हूं कि वो किसी प्रकार की एनओसी भारत सरकार को और अपने खनिज अधिकारी को न दे, अपने अधिकारों का उपयोग करे और हमारे सभी राणापुर ब्लॉक के सभी हमारे आदिवासी भाइयों से निवेदन करता हूं कि वो इस प्रकार किसी भी प्रस्ताव को होने ना दे और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने दे, क्योंकि ये हमारे अधिकार का मामला है। अगर हमारी जमीनें छीन ली जाएगी तो हम कहां जाएंगे, हमारा परिवार कहां जाएगा और हमारे घर बार सब छोड़ना पड़ेंगे। आदिवासी अंचल में माइनिंग का जिन्न एक बार फिर निकल आया है। अब ये जिन्न वापस बोतल में कब बंद होगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सियासत भी गर्माएगी, आदिवासी संगठन भी मुखर होंगे और सरकार अपने स्तर पर प्रयास करेगी कि सीएल के लिए ग्राम सभाएं अनुमति दे दें। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, सब कुछ ग्राम सभा के पाले में है। ग्राम सभा के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि वो क्या करती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।